इस देश में किसान छुट्टी नहीं लेता, इस बात का जिक्र हम बार बार करते हैं, लेकिन आज आपको एक कंडक्टर से मिलाने जा रहे हैं जिसने 13 बरस से छुट्टी नहीं ली। अगर मैं 2001 से अब तक देखूं, मैंने अभी तक 15 मिनट वैकेशन नहीं लिया है 2001 से आज तक। प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें देश के आम आदमी से प्रेरणा मिलती है जो रोजाना बिना थके काम पर जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी नहीं कहता, लेकिन आज हम आपको देश के एक ऐसे ही आम आदमी से मिलवाते हैं जो पिछले 13 बरस से बिना थके रोजाना अपनी ड्यूटी पूरी करता है। इनसे मिलिए, ये हैं जोगिंदर सिंह। पेशे से हिमाचल रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी HRTC के नाहन डिपो में परिचालक है। पेशे के तौर पर कंडक्टर कह सकते हैं और ड्यूटी की वजह से रोजाना 150 से 200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, बिना रुके बिना थके, वह भी एक दो साल नहीं 13 बरस से बिना किसी छुट्टी के। 4 जून 2005 से HRTC में कार्य कर रहा हूं और तब से अभी तक कोई भी अवकाश नहीं लिया, ना संडे और ना कोई और अवकाश। तो 13 बरस की सरकारी नौकरी में निजी बस सेवा के साल भी जोड़ दें तो रिकॉर्ड 15 बरस का होता है। और जोगिंदर की इसी उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए हिमाचल के ही सिरमौर में 28 जून को कार्यक्रम है। लेकिन जोगिंदर का काम देखिए, वो कार्यक्रम में खुद नहीं जाएंगे, अपने पिता को भेजेंगे, क्योंकि अगर जाएंगे तो छुट्टी लेनी पड़ेगी और छुट्टी लेना चाहते नहीं। उस दिन हम अवकाश नहीं लेना चाहते हैं, ये भी एक इसमें तथ्य है कि हम उस दिन अवकाश न लेने की वजह से सम्मान लेने नहीं जा पाएंगे। तो आज जोगिंदर अपने साथी कर्मचारियों के लिए मिसाल है, साथ ही नाहन डिपो में किसी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं और काम के लिए जुनून इतना कि वह इस रिकॉर्ड को रिटायर होने तक कायम रखना चाहते हैं। ये है ABP News, आपको रखे आगे।